नमस्कार। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाली तीज, जिसे हम हरितालिका तीज भी कहते हैं। तो ये इस बार 11 अगस्त 2021 को मनाई जाएगी। ये त्यौहार हम हर सावन माह की शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को मनाते हैं। तो ये त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो आज हम जानेंगे कि त्यौहार पे हम क्या क्या करते हैं, सुहागिन औरतें क्या करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माता पार्वती और शिव जी की। तो सुहागिन औरतें इस दिन माँ गौरी और शिव जी की पूजा करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और जो विवाह योग्य कन्याएं होती हैं वो भी अपने लिए अच्छे वर की कामना करती हैं। तो कई जगह पर जो सुहागिन औरतें होती हैं वो व्रत भी करती हैं और अपने व्रत रखकर अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती हैं। और कुंवारी स्त्रियां भी शिवजी से अपने लिए अपने मनपसंद वर को मांगती हैं। तो इस तरह से त्यौहार कुंवारी और सुहागिन महिलाओं दोनों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन औरतें भगवान भोलेनाथ के सामने अपने खुशहाल दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। जैसे कि हम जानते हैं माँ गौरी और शिव जी का दाम्पत्य जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। तो इसीलिए इसी अपने सुखी जीवन के लिए वो सभी औरतें इस दिन भगवान शिव के सामने प्रार्थना करती हैं। और औरतें माँ पार्वती के सामने भेंट स्वरूप सुहाग की वस्तुएं भी भेंट करती हैं। सुहाग की वस्त्र एक सुहागिन औरत के जीवन में बहुत मायने रखती हैं। तो वो कामना करती हैं कि उनका सुहाग लंबा हो, उनका सुहाग दीर्घायु हो, उनके सुहाग के जीवन कभी कोई कष्ट ना आए। तो वो जो भी 16 सिंगार का सामान होता है वो माँ पार्वती को भेंट करती हैं। आप चाहे तो ये किसी सुहागन स्त्री को भी भेंट कर सकते हैं। यदि आप अपने सास को देना चाहें तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आप उनको दे सकते हैं। अगर आपके घर में ऐसा कोई ना हो तो आप माँ गौरी के मंदिर में सब सुहाग के सामान भेंट कर सकते हैं। तो ये जानते हैं कि इस दिन औरतें और क्या करती हैं। तो सुहागिन औरतें जो होती हैं वो इस दिन मेहंदी रचाती हैं, नए कपड़े पहनती हैं और खूब सज धज कर अच्छे से तैयार होती हैं। और उसके बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं, जुड़ती हैं, नाचती गाती हैं। ये त्यौहार जिनकी शादी हुई पहले साल होता है, जो नवविवाहिता होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन क्या जब नई विवाहित स्त्रियाँ होती हैं जिनकी मायके में पहली सावन की तीज होती है, तो माँ बाप अपनी पुत्री को अपने मायके बुलाते हैं। वहाँ पर जाके उनके खूब लाड़ चाव रंग किए जाते हैं। तो सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन विशेषकर हरे रंग की पोशाक पहनी जाती है, 16 श्रृंगार की जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, एक दूसरे के साथ मिलकर खूब हंसी मजाक किया जाता है, पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। तो शाम को सब औरतें तैयार होकर अच्छे से एक दूसरे से मिलती हैं और बाहर जाकर झूला झूलती हैं। तो सावन का त्यौहार हो और झूलों की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सावन के महीने में जब सब औरतें शाम को इकट्ठा होकर झूला झूलने जाती हैं तो उस समय वो नज़ारा देखने लायक होता है। तो सावन के झूले देखकर आपको भी अपने बचपन के दिन याद आ गए होंगे, या फिर आपको अपनी नई जब तीज हुई होगी आपको याद आया होगा कि कैसे आपने भी ये सब किया होगा। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि हर सुहागन स्त्री की पति की दीर्घायु दे, उनको अच्छा सा दाम्पत्य जीवन दे, ये सुखी जीवन सबके जीवन में बार बार आता रहे। तो सावन के त्यौहार के बाद हम बात करते हैं विशेष पकवानों की। तो इसमें घेवर, गुलगुले, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं। और माता पिता अपनी पुत्रियों के ससुराल में एक विशेष उपहार भेजते हैं जिसे कोथली कहा जाता है। तो उस कोथली में उनके लिए मिठाइयाँ, कपड़े, फल इत्यादि होता है। ये माता पिता की तरफ से अपनी पुत्री को एक भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो सभी स्त्रियाँ चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों अपने माता पिता के घर से आए हुए उपहारों की बाट देखती हैं और इसके साथ ही माता पिता भी उनको आशीर्वाद स्वरूप अपना प्यार भेजते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये सब मुझे बताइए जानकर। आपका त्यौहार शुभ हो, मंगल हो।